हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई डिश बनाने जा रही हूँ। इसका नाम मुतबक है, जो सऊदी में बहुत फेमस है स्ट्रीट फूड में। ये देखिए, मैंने मुतबक के लिए डो बना के रखा है। इसको मैंने 30 मिनट्स रखा है। इसमें मैंने मैदा, ऑयल और गर्म पानी से मैंने डो बनाया है। आपको डो इतना बनाना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। मुतबक के लिए मुझे क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए, ये देखिए टमाटो है, मैंने इसका रस निकाल लिया है, ग्रीन अनियन है, कोरिएंडर है, और ये देखिए मैंने पहले से कीमा तैयार रखा है। कीमा में मैंने बस प्याज, हरी मिर्च, नमक और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। ये बीफ कीमा है। इसके लिए मुझे दो अंडे भी चाहिए। सबसे पहले एक बॉल लूँगी, उसमें मैं दो अंडे ऐड कर रही हूँ। आप इसको अच्छे से फेंट लो। उसके बाद मैंने जो कीमा बना के रखा था वो कीमा को ऐड कर ले रही हूँ। उसके बाद मैंने ये टमाटो रखा था, इसको मैं टमाटो को ऐड कर ले रही हूँ। ये जो ग्रीन अनियन है ऐड, कोरिएंडर लीफ ऐड कर ले, सॉल्ट टू टेस्ट, ब्लैक पेपर हाफ टेबल स्पून, क्यूमिन पाउडर आपको हाफ टेबल स्पून ऐड करना है। आप इसको मिक्स कर लें। आप ये डो ले लें, इसको रोलिंग पिन में रखें। आपको एकदम थिन चपाती बेलने हैं। जो स्ट्रीट फूड होता है वो बहुत ही थिन होता है, पर उतना थिन हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि हम लोग घर पे बना रहे हैं और वो लोग ड्रेसिंग पेपर रखते हैं। आप इसको एकदम थिन बेल लें। जो मैंने ये रखा था बैटर बना के, आप इसको बीच में प्लेस करें इस तरह से, क्योंकि आपको स्क्वायर शेप बनाना है। और इस तरह से आप इसको फोल्ड करें स्क्वायर। वो तो आप उसको केयरफुल उठाए। अब भी आप एक पैन लें, फ्लेम ऑन करें, इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करें। आप इसे तवा में बना सकते हैं, स्लो फ्लेम में रखें, क्योंकि आपको अंदर अंडा है, आपको दोनों साइड आपको उसको प्रॉपर कुक करना है। देखिए, इसे एक तरफ आपको 3 मिनट पकाना है। जब ये हल्का हो जाए तो इसको इस तरह से पलट दें। जब तक ये रेडी हो रहा है, मैं दूसरा वाला बना रही हूँ। इसको आप साइड कर ले। मैंने दूसरा बना के ऑलरेडी रखा है। ये बहुत आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ये देखिए, इसको इस तरह से प्रेस कर दें। एक मैं आपको ट्रिक बता दी, आप टूथपिक से ऐसे होल कर दें तो आपका ये खुलेगा नहीं। आप इसको इस तरह से भी थोड़ा पकाएं, क्योंकि साइड में फिर आपको वो नहीं पकेगा प्रॉपर। 1 मिनट तक हमारा मुतबक तैयार हो गया। आप इसको ऐसे कट कर लें। आप चाहे तो 4 पीसेस, आप चाहे तो 2 पीसेस में कट कर लें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, आपको अगर ये मेरा डिश पसंद है। ये मुतबक रेडी है सर्व करने के लिए। प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं मेरा आपको रेसिपी कितनी कितनी पसंद आई।